जय श्री राम दोस्तों, मैं गौरव मिश्रा सामधिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर, जो कि मैथ का टॉपिक है। तो दोस्तों एलिगेशन एंड मिक्सचर को हिंदी में हम बोलते हैं मिश्र एवं मिश्रण। तो दोस्तों एलिगेशन एंड मिक्सचर एक तरह का शॉर्टकट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें एलिगेशन लगा करके बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर सकते हैं। मतलब ये एक तरह का शॉर्टकट है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज एवरेज के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक, तो दोस्तों अगर हम मिश्रण एलिगेशन की परिभाषा की अगर हम बात करें कि है क्या, तो जब हम कोई दो या दो से ज्यादा पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो कोई तीसरी वस्तु बन जाती है, और जो तीसरी वस्तु बनी है उसी को दोस्तों मिश्रण कहते हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक्स पदार्थ है और वाई पदार्थ। ठीक, तो एक्स पदार्थ और वाई पदार्थ को जब हम आपस में मिला देंगे तो एक तीसरे तरह का पदार्थ बन जाएगा, जिसको दोस्तों बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण। तो अब इसको मैं कोई नंबर से आपको समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास 12 रुपए किलो वाला कोई चावल है और 18 रुपए किलो वाला चावल है। ठीक, तो 12 रुपए किलो वाला चावल और 18 रुपए किलो वाला चावल को जब हम आपस में मिला देते हैं तो उसका मिश्रण क्या होगा? तो दोस्तों आपको एक चीज समझ आनी चाहिए, जो मिश्रण होता है हमेशा, जैसे यहां पे 12 और 18 है, तो मिश्रण हमेशा मध्य वैल्यू होती है, मध्यमान होता है, मीन वैल्यू होती है। मतलब क्या है कि 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 अगर मैं लिखूं तो हमारे मिश्रण का, जो हमारा मिश्रण होगा वो हमेशा मध्यमान होगा। तो 12 और 18 के बीच में 13 आता है, 14 हो सकता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है। तो दोस्तों ये जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे हमारे मिश्रण हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सारे के सारे मध्यमान हैं। मिश्रण कभी भी 12 नहीं हो सकता, कभी भी 18 नहीं हो सकता, 12 से कम तो कभी होगा नहीं और 18 से कभी ज्यादा नहीं होगा। ठीक, जैसे आप समझिए कि दूध और पानी को जब हम मिलाते हैं तो ऐसा नहीं कि दूध को पानी से जब मिलाते हैं तो पानी कम हो गया या दूध कम हो गया। कम तो होगा नहीं, मतलब क्वांटिटी तो कम नहीं होगी। तो इसलिए 12 से कम नहीं होगा, 18 से ज्यादा नहीं होगा। मिश्रण हमेशा क्या होगा? जो दो तरह की चीज हम मिला रहे हैं उसके बीच वो चीज लाई करेगी, मतलब हमेशा क्या होगी? वो मीन वैल्यू होगी। तो दोस्तों एक नॉर्मल सम क्वेश्चन ले लेते हैं एवरेज का, और उसको पहले हम एवरेज के तरीके से करेंगे, फिर उसी क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगा के कैसे हल कर सकते हैं उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक कक्षा है और उस कक्षा में लड़कों की आयु का औसत 25 वर्ष है। ठीक, एक कक्षा है और उस कक्षा में लड़कों की आयु का औसत कितना है? 25 वर्ष। उसी कक्षा में लड़कियों की आयु का औसत है 18 वर्ष। अब पूरी कक्षा की आयु का औसत, तो दोस्तों जब पूरी कक्षा की बात करें तो लड़का लड़की दोनों आ जाएंगे पूरी कक्षा में। ठीक है, तो पूरी कक्षा की आयु का औसत है 20 वर्ष। तो हमें बताना है कि उस कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, यह हमारा सवाल है। तो दोस्तों अगर हम इसको एवरेज के मेथड से करेंगे, एवरेज औसत के तरीके से करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। इधर मैं लिख दिया लड़का और इधर मैं लिख दिया लड़की। ठीक, तो माना कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। लड़कों का औसत कितना है? 25 और लड़कियों का औसत कितना है? 18। ठीक, तो ये x संख्या है लड़कों की और ये जो 25 है लड़कों की क्या है? औसत आयु है। तो आप इधर थोड़ा समझे, औसत आपको पता है योग बटे संख्या होती है, और अगर योग निकालना हो तो औसत को अगर संख्या से गुणा कर दे तो क्या निकल जाता है हमारा? योग निकल जाता है। दोस्तों हम करेंगे क्या, 25x हो जाएगा ये जी। आई बात समझ में? तो ये टोटल आयु का योग आ जाएगा लड़कों का और 18 वाई कर देंगे तो लड़कियों की आयु का योग आ जाएगा बटे, तो ये दोस्तों क्या हो गया? योग। और योग के नीचे क्या होती है? संख्या। तो संख्या क्या है? लड़कों की संख्या क्या है? x, और लड़कियों की संख्या कितनी है? वाई। तो टोटल संख्या नीचे और टोटल योग ऊपर, तो ये ऊपर वाला योग नीचे वाली संख्या और बराबर में क्या होता है? औसत। और औसत कितना है हमारा? 20। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो 25x प्लस 18y बराबर 20 का गुणा इधर करेंगे तो 20x प्लस 20y हो जाएगा
तो 25x से 20x घटाएंगे कितना हो जाएगा 5x, पांच और 20y से 18y घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। 2y हो जाएगा। तो दोस्तों हमें चाहिए क्या, लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशो चाहिए। तो लड़कों की संख्या है x और लड़कियों की संख्या है वाई, y, पे कितना हो जाएगा 2/5। मतलब उस कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 2/5 है। तो दोस्तों ये हमने जो किया है एवरेज के तरीके से किया है, और दोस्तों आपने देखा कितना लंबा गया। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को हम अगर शॉर्टकट तरीके से करेंगे तो हम एलिगेशन लगा के कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। एलिगेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी जहां पे दो चीजें मिलेगी और तीसरी चीज बनेगी वहां पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए लड़का और लड़की मिल रही है, ठीक है, लड़कों की संख्या, फिर लड़कियों की आयु की, लड़कों की आयु का औसत, लड़कियों की आयु का औसत, और फिर तीसरा है कक्षा की आयु का औसत, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख दूं मैं बॉय और यहां पे लिख दूं गर्ल। तो लड़कों की आयु का औसत कितना है 25 वर्ष, और लड़कियों की आयु का औसत कितना है 18 वर्ष है। अब पूरी कक्षा की आयु का औसत कितना है 20 वर्ष। ये बात आ रही समझ में, ठीक। तो दोस्तों इसमें हम करते क्या है, तिरछा घटाते हैं। कैसे घटाते हैं, स्लांटली घटाते हैं इसको, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दीजिए। कितना हो जाएगा 20 में 18 गए 2, और यहाँ पे बड़ा 25, तो 25 से 20 गए कितना 5। 5 तो बॉय बटे क्या कर दूं गर्ल, तो बॉय के नीचे कितना आ गया हमारा 2, और गर्ल के नीचे कितना आ गया 5। 5 तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि आप चाहो एवरेज के मेथड से लगाओ तो इतना लंबा पड़ेगा, और अगर आप किसी भी एलिगेशन लगा दो तो बहुत आसानी से आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो हमको क्या क्या समझ में आया कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जहां पे दो चीजें मिल रही हो तो हाँ वहां पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो दोस्तों हमने एलिगेशन में क्या सीखा कि अगर कोई दो तरह की चीज है, अगर उसको आपस में हम मिलाएंगे, जैसे ये x है और ये y है, तो अगर x और y को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाता है z बन जाता है। z हमारा क्या होता है, मिश्रण होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो z मिश्रण है इसमें x और y को किस अनुपात में मिलाया गया है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, बड़े से छोटे को घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ आएगा, और यहाँ पे बड़े को छोटे में से घटाएंगे तो यहाँ में से कुछ आएगा, ठीक। दोस्तों यहां पास मैं मान लेता हूं ए है और यहां पास क्या है बी है। तो ये जो जेड मिश्रण है, मतलब जो एक्स और वाई का रेशियो है इस जेड मिश्रण में, किस रेशियो में मिलाया गया है, किस अनुपात में मिलाया गया है एक्स और वाई को कि जेड मिश्रण बन गया, तो दोस्तों ये जो रेशियो है ए अनुपात है क्या कहलाता है बी कहलाता है। तो दोस्तों इसमें आपको दो चीजें ध्यान देना होगा कि पहली चीज इसमें जो यूनिट होती है हमारी सेम होनी चाहिए, यूनिट क्या होनी चाहिए सेम। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे रुपए आपने लिया है और यहाँ पे भी आपने रुपए लिया है, तो यहाँ पे फिर पैसा नहीं ले सकते, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब यूनिट आपकी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, ठीक। दूसरी चीज है दोस्तों आपका बेस सेम होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए बेस सेम होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे क्रय मूल्य ले रहे हैं, यहाँ पे भी क्रय मूल्य ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप फिर विक्रय मूल्य नहीं ले सकते, यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा सेम। तो यूनिट भी सेम होना चाहिए और बेस भी आपका सेम होना चाहिए। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाएगा साथ पेपर में कई बार कि एक व्यक्ति बाजार जाता है चावल खरीदने, तो पहले तरह का जो चावल खरीदता है वो तो उसका रेट रहता है 20 रुपए पर केजी, ठीक। एक व्यक्ति बाजार जाता है, पहले तरह का चावल खरीदता है उसका रेट क्या है 20 रुपए पर केजी उसका भाव है, और दूसरे तरह का जो चावल खरीदता है उसका रेट है 30 रुपए पर केजी। फिर वो क्या करता है, दोनों चावल को आपस में मिला देता है और 35 रुपए पर केजी में बेच देता है, और उसे 25% का क्या होता है लाभ होता है। तो आपको यह बताना है कि उसने दोनों तरह के चावल को किस अनुपात में मिलाया। क्वेश्चन को फिर से समझिए, एक व्यक्ति बाजार गया और उसने दो तरह के चावल खरीदे, एक पहले तरह का जो चावल है उसका रेट क्या है 20 रुपए पर केजी, दूसरे तरह का जो चावल है उसका रेट क्या है 30 रुपए पर केजी। दोनों चावल को आपस में मिलाया और 35 रुपए के भाव से उसने क्या किया बेच दिया, और जिससे उसको 25% का क्या हुआ लाभ लाभ हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि उसने दोनों तरह के चावल को किस अनुपात में
मिलाए थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हम क्या कर सकते हैं, लिगेशन लगा के हम कर सकते हैं। तो पहले तरह का चावल और ये दूसरे तरह का चावल, तो पहले तरह का चावल कितने रुपए में खरीदा उसने, 20 रुपए के हिसाब से। दूसरे तरह का चावल किस रेट से खरीदा उसने, 30 रुपए के हिसाब से। फिर उसने 35 रुपए केजी पर बेचा तो उसको 25% का लाभ हुआ। तो दोस्तों जो पहले तरह का चावल है तो यहाँ पे क्रय मूल्य है और यहाँ पे भी क्या है, क्रय। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, क्रय। और यहाँ पे दोस्तों विक्रय मूल्य दिया है। हाँ, और मैंने आपको क्या बताया कि यूनिट सेम होनी चाहिए तीनों जगह पे, और तीनों जगह क्या सेम होना चाहिए, बेस। तो जब दो जगह आपने क्रय मूल्य लिया है तो तीसरी जगह भी क्या लेना पड़ेगा, क्रय मूल्य ही लेना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य दिया है तो आप क्या निकाल सकते हैं इससे, क्रय मूल्य। तो दोस्तों आप क्रय मूल्य निकालेंगे तो आपको पता है क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। तो 25% का लाभ हुआ है, मतलब उसने 100 से 25% बढ़ा के बेचा है, मतलब कितने बेचा है उसने, 125% में। और 125% किसके बराबर है, 35 रुपए के। तो 1% बराबर 35/125। अब क्रय मूल्य हमें पता है कि हमेशा 100% होता है, तो 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 25 पंचे और 25 चौको 100, 5 एकम 5 सत्ते, तो 7 चौको 28। तो दोस्तों ये 28 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम 28 रुपए रखेंगे क्योंकि बेस सेम होना चाहिए, क्योंकि ये 20 हमारा क्या है, क्रय मूल्य, और 30 भी हमारा क्रय मूल्य, और ये 28 भी हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य। अगर 35 रखते हो गलत हो जाता है, क्योंकि बेस हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और यूनिट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब इसको हल कर लीजिए, तो 30 में 28 को कम करें, 30 में से 28 कम करें कितना जाएगा, 2, और 28 में से 20 कम करेंगे कितना जाएगा, 8। तो ये हो गया पहले तरह का चावल, ये हो गया दूसरे तरह का चावल। तो पहले तरह का चावल कितना, 2, और दूसरे तरह का चावल 8। ये 2 एकम और ये 2 चौको 8। तो दोस्तों पहले तरह का चावल का एक हिस्सा है और दूसरे तरह का चावल का चार हिस्सा, मतलब टोटल हिस्सा कितना है, 5, 4 एक 5। तो पहले तरह का चावल तो मतलब जो 20 रुपए केजी वाला चावल है उसका एक हिस्सा, और 30 रुपए केजी वाला जो चावल है उसका चार हिस्सा उसने आपस में मिलाया और 35 रुपए के भाव से बेचा उसने, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति बाजार जाता है चीनी खरीदने, तो वहां पे उसने दो तरह की चीनी खरीदी। पहली तरह की जो चीनी थी उसका भाव था 18 रुपए पर केजी, और दूसरे तरह की जो चीनी थी उसका रेट था 25 रुपए पर केजी। और उसने क्या किया, दोनों तरह की चीनी को खरीदने के बाद ये नोटिस किया कि उसकी जो औसत लागत आ रही है, औसत लागत, क्योंकि उसने दोनों तरह की चीनी खरीदी तो उसने ये नोटिस किया कि उसकी जो औसत लागत आ रही है 20 रुपए पर केजी आ रही है। तो हमारा सवाल है उसने दोनों तरह की चीनी को किस अनुपात में खरीदा, किस अनुपात में खरीदा, दोनों तरह की चीनी को किस अनुपात में खरीदा, यह हमारा सवाल है। तो बहुत ही आसान है, आप यहां पे लिख लीजिए पहले तरह की चीनी, यहां पे दूसरे तरह की चीनी, यहां पे आप लिख देंगे 18 रुपए के भाव से खरीदा उसने, और यहां पे उसने 25 रुपए केजी के भाव से खरीदा। अब यहाँ पे 18 और 25 क्रय मूल्य, और ये जो 20 है ये भी क्या है, क्रय मूल्य, मतलब हमारा बेस पहले से ही क्या है, सेम है। अब इसको क्या करेंगे, स्लांटली घटा देंगे, तो 25 से 20 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 20 में 18 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ, तो उसने दोनों तरह की चीनी किस अनुपात में खरीदी, तो पहले तरह की जो चीनी है वो 5 हिस्से में खरीदी, 5 यूनिट खरीदी, और दूसरे तरह की जो चीनी है वो कितनी यूनिट खरीदी, 2 यूनिट खरीदे। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इरिगेशन मिक्सचर से रिलेटेड जो मैंने कांसेप्ट बताया, बेसिक बताया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये केवल पहला पार्ट था जिसमें हमने केवल बेसिक की बात करी, अगले पार्ट में हम तरह तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ही, people will rate you, people will hate you, people will break you, people will shake you, it is you who is going to make you. Jai Vande Mataram.